नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं जी। क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। इसमें दो चीज़ें अपडेट आई हैं जी। इंडियन पोस्टल का पोस्ट ऑफिस में जो कि आपने GDS के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ 10वीं बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी थी। सबसे पहले बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के जो कि रिजल्ट के बारे में, ठीक है। किस किस स्टेट का रिजल्ट आ चुका है। जैसे ही आप ये पोर्टल ओपन करोगे, पोर्टल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है जी। और यहाँ पर जैसे ही अप्लाई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल गया जी। ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स भी जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, किस स्टेट के हुए हैं, वो आप कैसे देखोगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे मान लीजिए मैं हरियाणा का हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। दिल्ली के हो तो दिल्ली में क्लिक करोगे, ठीक है जी। क्लिक करते ही आपको एक PDF देखने को मिल जाएगी। PDF में आपके सारे के सारे नाम, आपके जोन वाइज जिस जोन में आपने अप्लाई किया, जैसे हिसार वालों ने हिसार में, अम्बाला वालों ने अम्बाला में, भिवानी वाले अपने हिसाब से अपने सारे के सारे आप चेक कर सकते हो किस सेक्टर में कहाँ पर आपके कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी से हुए हैं, ठीक है। ये देख सकते, गुरुग्राम आ गया, गुरुग्राम के बाद हिसार आ गया। हिसार में अलग अलग के अलग अलग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जी। जैसे बड़ागुड़ा आ गया, बरुवाली आ गया, ठीक है। और इसमें अलग अलग कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इन कैंडिडेट्स का जो है रिवाइज रिजल्ट और एक बार आएगा, जो कि नोटिफिकेशन आज का बताया गया, आज तक आ जाना चाहिए। बाकी ये देख सकते हो, स्क्रॉल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज रिलीज फॉर ऑल सर्कल्स, ठीक है। दिस साइट इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ PWD जो कि कैंडिडेट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है जी। 6 जून से आपके उनके 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं, अलग अलग जैसे बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, क्योंकि पहले क्या था, एक दो के जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका उड़ीसा का रिजल्ट आया था, गुजरात का आया था, हरियाणा का आया था, दिल्ली का आया था, कि चुनिंदा चुनिंदा स्टेट्स का रिजल्ट आ गया था। अब क्या है, अब सभी स्टेट्स का रिजल्ट आ चुका है। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सभी का आ चुका है। बाकी एक दो और रह गए हैं जो उनका भी रिजल्ट इसी में देखने को आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है जी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको यहाँ पर पूरे का पूरा डिटेल मिल जाएगी, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उन कैंडिडेट को जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिटेल मिल जाएगी, उनके नंबर पर, मेल आईडी पर जो भी है दे रखा है उस पर मिल जाएगी। इस तरह आपने अपना डिटेल चेक कर लेनी है, या फिर Ctrl+F दबाकर जो भी आप रिजल्ट खोलोगे शॉर्टलिस्टेड का, यहाँ पर अपना नेम या रजिस्ट्रेशन से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं चेक करने जा रहा हूँ, गगन लिखा है, इस पे कोई भी नहीं है, ठीक है। या आप AKTA इस पर भी कोई नहीं है। इस तरह आप अपना यहाँ से रिजल्ट भी चेकआउट कर सकते हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर या डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है, जैसे ही आ जाएगा वो भी अपडेट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब इनका शॉर्टलिस्टेड का रजिस्ट्रेशन, शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन होनी बाकी है, ठीक है जी। और ज़्यादा जानकारी लेने लिए आप examjobbler.com भी विजिट कर सकते हो। इसमें आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स अप टू डेट रखा जाता है, ठीक है जी। और उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेवियंस करना चाहता है तो ग्रेवियंस के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट examjobbler.com पर भी विजिट कर सकते हो। इसमें आपको वीडियोस, आंसर की, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाता है अप टू डेट, ठीक है। ऑल डिपार्टमेंट वाइज भी पोस्ट अप टू डेट अवेलेबल
करवा दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले अगर कोई अपडेट इंडिया पोस्ट की और आती है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट क्लियर हो चुका है सभी स्टेट्स का, उसके रिगार्डिंग बनाई है, जैसे कोई और अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। उम्मीद करते हैं ये आप हमारा सहयोग जरूर करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।